मिस्र में है और मेरे पीछे आपको दुनिया के मारूफ तरीन तारीखी अजूबे अहराम नज़र आ रहे होंगे। इन ये अहराम जो हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी किताब में देख लें, हर जगह जो दुनिया के पांच बड़े अजायब हैं उनमें ये अहराम शामिल है। क्या अजूबा है! एक तो ये कि 5000 साल पहले ये बनाए गए, उस वक़्त ना सीमट था, ना कोई पत्थरों को जोड़ने की टेक्निक थी, इतने भारी पत्थर कैसे लाए गए, इनको जोड़ा कैसे गया। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इसकी अब रिसर्च से ज़ाहिर हो चुकी हैं। मसलन ये है कि भारी ये पत्थर जो है दरियाए नील के रास्ते, और फिर जहाँ दरियाए नील ख़त्म होता था वहाँ से आबी गुजरगाहें बना के यहाँ पे लाए गए पत्थर, और ये पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि बंदा फिर भी हैरान होता है कि इनको कितने लोग खींचते थे, कैसे यहाँ पहुँचाए गए। ये पत्थर इस तरह से काटे गए हैं, इस तरह से उनका आर्किटेक्चर है कि वो आज तक जो है वो महफूज है। और फिर के इसके अंदर जो थी, हर जो अहराम है उसके अंदर एक ना एक किंग को जो है वो महफूज किया गया था, दफन किया गया था। पहले उसकी मम्मी बनाई गई, फिर उसके लिए कमरे बनाए गए, और ये सारे किंग्स के अहराम हैं। यहाँ इस जगह पर गिज़ा में ये 9 अहराम हैं जो कि आपको 3 पीछे नज़र आ रहे हैं, 6 और हैं। तो आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 5000 पहले ये कैसे तामीर हुए होंगे, किसने इसका आर्किटेक्चर बनाया होगा, किस तरह से लोग जो है वो इसमें किंग महफूज किए गए जो आज तक महफूज हैं। कहते हैं कि मिस्र का जो 80% जो विरसा था, तहजीबी विरसा, वो तो यूरोप ले गया। कुछ फ्रांस में है, कुछ लंदन में है, और कई 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 और दूसरे मुल्कों में। मिस्र के पास अब सिर्फ 20% है जो म्यूज़ियम में महफूज है। लेकिन ज़रूरत मेरा ख़्याल है इस बात की है कि जिस जिस कौम का जो जो तहजीबी विरसा है उसे वापस होना चाहिए, मिस्र को भी ये हक मिलना चाहिए तो उसका ये तहजीबी विरसा उसे वापस मिले। अहराम मिस्र की एक खूबसूरत याद 1940 की दिहाई की भी है, जब मोहतरमा फातिमा जना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मिस्र आए, दौरे पर आए, छुट्टियां गुजारने आए, और दोनों की ऊँट पर बैठे हुए एक तस्वीर अब भी आर्काइव महफूज है। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो कि अहराम मिस्र की तारीखी अहमियत क्या है, हमारे जो महबूब लीडर हैं वो भी इसको बेहतरीन असारे कदीमा तसव्वुर करते थे, यहाँ सेहत के लिए आए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आके कायदे आज़म की याद भी आती है, तो अहराम मिस्र तो अपनी जगह देखने के काबिल है। मेरे पीछे आपको स्फिंक्स नज़र आ रहा होगा, ये देवमलाई किरदार है और ये अहरामों के साथ है, और इसमें जो चेहरा है वो एक खूबसूरत नौजवान का, बाल एक खूबसूरत औरत के, और जिस्म शेर का है। तो ये एक देवमलाई किरदार है, पुरसरार किरदार है, और समझा जाता है कि ये यहाँ पे गार्डियन था इस सारे कब्रिस्तान का, इन अहरामों का। और दिलचस्प बात यह है कि इम्तदादे ज़माना से ये मिट्टी में चला गया था और बिल्कुल छुप गया था। जब नेपोलियन ने मिस्र फतह किया तो उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि यह स्फिंक्स भी दफन है। उसने अहराम तो देखे लेकिन अबुल होल नहीं देख सका, लेकिन अबुल होल जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आता है। और इसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है वो आपको यूरोप में मिलती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ये है। Thank you.
उर्दू बोलने वाला या कौन पाकिस्तानी होगा जिसको अलामा इकबाल का ये शेर याद ना हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशकर। मैं आज नील के साथ, दरियाए नील ये बह रहा है, मैं इसके साथ बैठा हूँ और मुझे काशकर भी जाने का इत्तेफाक हुआ जो कि चाइना के सूबा शिनजियांग या सिंकियांग में है। और मैं देखता हूँ कि अलामा की वसत नज़र में उन्होंने ये सोचा था कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो के एक उम्मत मुसलमा बन जाएं, लेकिन आज के जब मैं हालात देखता हूँ तो मुझे सारी उम्मत मुसलमा बिखरी हुई नज़र आती है। पाकिस्तान ही देख लें कि पाकिस्तान के इस वक्त जो दोनों मुस्लिम हमसाया ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान हो जाए या ईरान हो जाए, दोनों के साथ तल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं है। काश जो मुस्लिम दुनिया है वो ये समझे कि आपस में तावन, हमायत और एक दूसरे की जो मदद है उसी से आप एक उम्मत मुस्लिमा और जिस्ते वाहिद जो है उसकी तश्कील कर सकते। ममियों को हनूत करने के बारे में अभी तक भी तहकीक हो रही है। आप ये देखें, ये एक ऐसी ममी है जिसको हनूत किया गया है और इसके इर्द गिर्द कपड़ा बांधा गया है और कपड़े के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं वो मौजूद हैं ताकि ये लाश जो है ये ख़राब ना हो। पहले लाश को केमिकल्स दिए गए हैं, फिर उनके ऊपर कपड़े चढ़ाया जाता था, फिर उसके ऊपर जो है वो लकड़ी का या पत्थर का जो है वो केस बनाया जाता था। तो ये आज भी ऐसे लगता है कि इट वॉज़ अ मिरेकल, ये किस तरह उस ज़माने में ये सारी साइंटिफिक तरक्की कि आज तक वो लाशें महफूज हैं, आज तक उनकी शान व शौकत, उनके रंग, ये सब महफूज हैं। मिस्र की तहजीब और तारीख के बारे में दुनिया भर में दिलचस्पी पाई जाती है। ये यहाँ पे दुनिया भर के सयाह आते हैं और इस म्यूज़ियम की हर चीज़ को गौर से देखते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसी तरह टेक्सला और बाकी वो जो तारीखी बुद्ध मत की इमारात हैं
उनमें भी इस तरह की सहूलतें फराहम करें ताकि लोग गैर मुल्की सयाह भी आ सकें, सियाहत को भी फ़रोग पा सकें और मुल्की सयाह भी जा कर देख सकें कि पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, तहजीब के अंदर, तारीख के अंदर क्या क्या गुजरा है। बुद्ध मत की तहजीब बहुत बड़ी तहजीब है। मैं साउथ कोरिया में गया, वहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान के इलाके से वहाँ जाके एक सेटल हुए हैं बुद्ध मत के जो थे, वहाँ उनके यूं समझिए कि एक फिरके के बुद्ध मत के फिरके के बानी थे, तो उनका नाम भी जोगी है क्योंकि हिंदुस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। तो हमें भी ज़रूरत है कि अपने कल्चर को फ़रोग देने के लिए, अपने फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि सियाहत को फ़रोग दें। कहा जाता है कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ईजाद पहिया था, और जब पहिया बन गया तो फिर उससे आपकी जो है वो फिटन बन गई, टांगा बन गया, सवारी बन गई, नकलो हमल की आसानी हो गई। या आप देखें मिस्री तहजीब में भी उस वक्त जो था इस तरह की सवारी मौजूद थी जिसको मर्द जो इंसान खींचते थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब जंगों में घोड़े खींचते थे उनकी जो चैरियट होती थी, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सफ़र है। बदकिस्मती से हमारे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा की तहजीब में अभी तक ये नहीं आया था, तो इस वजह से ज़राए नकलो हमल भी हमारे पास उस वक्त नहीं थे और शायद इसलिए हमारी तहजीब थोड़ी पीछे रह गई बाकी तहजीब। फ़राइना की जो तहजीब थी इसमें जानवरों और परिंदों का इस्तेमाल बड़ा मानी खेज है। मसलन बिल्ली हो, गाय हो, परिंदे हो, बहुत से चीज़ों के साथ जो है ये जो बुत तामीर किए गए हैं उनमें ये इस्तारे नज़र आते हैं। बिल्ली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, सांप का इस्तेमाल जो है वो भी नज़र आता है जो कि मिस्र की पुरसरासियत में और इजाफा करता है। दूसरी तरफ हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि वहाँ ना आपको कोई घोड़े की पिक्चर नज़र आती है ना कोई और ज़्यादा जानवरों की, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बकरियों की और भैंस की नज़र आएगी। घोड़ा तो बिल्कुल उस वक्त बड़े सगीर में था ही नहीं, लेकिन इजिप्ट के अंदर उस वक्त भी घोड़े थे और उस वक्त भी जो घोड़ों का इस्तेमाल जंगों के लिए भी और ज़राए नकलो हमल के लिए भी यूज़ होता था। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है हमारी बड़े सगीर की तहजीब में और जो यहाँ की तहजीब है मिस्र की उसमें। फ़राइना मिस्र और मोहनजोदड़ो की तहजीब में एक बड़ा फ़र्क है, नुमाया फ़र्क वो ये है कि मोहनजोदड़ो में कोई हथियार नहीं मिले और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे लड़ाई की जा सके, लेकिन यहाँ पर जा बजा फ़राइना मिस्र के जो म्यूज़ियम हैं उनमें वो हथियार मिलते हैं, तलवारें मिलती हैं, बर्चे मिलते हैं, चाकू मिलते हैं और साथ साथ जो है वो उन गाड़ियों का भी सुराग मिलता है जिसमें कई घोड़े जुते जाते थे और वो जंग में उतारी जाती थी।
तो ये बड़ा फर्क है। इसका मतलब यह है कि मोहनजोदड़ो जैसे भी तबाह हुआ, कई थ्योरियां हैं, कहते हैं कि पानी वहाँ से सूख गया था, कुछ कहते हैं कि जनाब एरियंस ने हमला कर दिया था, कुछ कहते हैं तजारती रूट बदल गया था, जो भी था, लेकिन एक बड़ी वजह यह थी कि वो लड़ने के लिए और हिफाजत के लिए वो तैयार नहीं थे। जबकि उस ज़माने में आपको पता है कि लड़ाई ही जो है फैसला कुन हरबा होती थी, किसी को जेर करने के लिए या फतह करने के लिए। मिस्र की तारीख पुरअसरार कहानियों में छुपी हुई है। मसलन दहात का इस्तेमाल तो था, दहात के औजार भी थे, कुल्हाड़ियाँ भी मिलती हैं, चाकू भी मिलते हैं, और बर्तन जो इस्तेमाल किए हैं वो भी लोहे के आगे थे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, एक चाकू मिला है इन्हीं मज़ारों में से, जिसके अंदर जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो लोहा इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद ही नहीं है। और जब तहकीक की गई तो ये पता चला कि ये किसी मेटराइड से या शहाब साकब के ज़रिए ये गिरा है, और उसको यहाँ काटना भी बहुत मुश्किल है, उस वक्त तो औजार ही नहीं थे। तो लोग आज तक ये हैरान हैं कि वो जो मकबरे से मिला है चाकू और महफूज है आज तक, ये काटा किस तरह गया होगा, इसका लोहा इसको चाकू किस तरह बनाया गया होगा। लेकिन सच ये है कि हज़ारों साल पहले भी इंसान के पास ऐसी तराकीब थी जिसने उस सख्त तरीन लोहे को भी जो है वो काटा। ये आइसोटोप तो लोहे का ही है, लेकिन ये आइसोटोप इस कुरा अर्ज पर नहीं पाया जाता। तो आप जब इजिप्टोलॉजी देखते हैं, इसकी चीज़ें देखते हैं, तो आप हैरान और परेशान हो जाते हैं। मम्मी के ऊपर जो नक्शो निगार है वो तो अपनी जगह, लेकिन हर मम्मी को फिर आगे पत्थर के एक केस में या कवर में जो महफूज किया जाता था, और उस पत्थर के ऊपर भी उस मम्मी की जो ओरिजिनल शक्ल है वो बनाई जाती थी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये पत्थर का वो कवर है, और इसके बाद फिर एक और कवर होता था। इसीलिए ये सदियों से जो है महफूज रही हैं। एक तो कहा जाता है कि इनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए गए थे, इस वजह से मम्मीज महफूज रहीं, और फिर इनके ऊपर जो कवर थे उनको इस तरह से बनाया गया था कि दो तीन स्टोन के कवर थे इनके ऊपर, जिससे वो आज तक जो है मम्मियाँ महफूज थी, और जब उनको निकाला गया तो वो उसी हालत में थी जिस हालत में दफन किया गया। कुदरत के रंगों में जितना तनव्वो है वो भी हज़ारों साल पहले इंसान ने दरियाफ्त कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि नीला रंग बहुत पहले दरियाफ्त हो गया, और यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ जो फराइना की तहजीब है, जो मिस्र की तहजीब है, उसमें भी नीला रंग नज़र आता है। और बाद में हम देखते हैं कि यही नीला रंग सेंट्रल एशिया में भी गया, ये हमारे बहुत सी जो इस्लामी तहजीब है उसमें भी ये नीला रंग नज़र आता है। और साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि ये जो पॉट्स मिले हैं मिट्टी के, बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी इसी तरह के पॉट्स मिले हैं जिनके ऊपर नक्शो निगार हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये तहजीबें आपस में मिलती जुलती थी, या आपस में इनका कोई रابطہ ज़रूर था, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ये एक ही तरह सोचती और एक ही तरह अमल करती थी। ये देखें यहाँ पर अकीक और दूसरे जो बहुत से रंगदार पत्थर और ख़ूबसूरत पत्थर और कीमती पत्थर, ये भी फ़राइना मिस्र के ज़माने से
निकले हैं मज़ारों से, और इससे पता लगता है कि ख्वातीन की आराइश और मर्दों की जो आराइश और फैशन है, ये उस वक्त भी मौजूद था जो आज तक चल रहा है। मम्मी का जो कवर है, ये दरियाफ्त हुआ था एक किंग के मकबरे से, और ये गोल्ड का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है और साथ शीशा भी लगा हुआ है। बाद में ये हुआ कि ये म्यूज़ियम में मौजूद था, लेकिन फिर ये गायब हो गया, और फिर स्विट्ज़रलैंड से ये दोबारा वापस मंगवाया गया, और अब ये यहाँ इस म्यूज़ियम में महफूज है। इससे पता चलता है कि किस तरह मम्मियों को महफूज करके कवर में डाला जाता था। ये वो कवर है जिसके जिसको मम्मीफिकेशन करके इस कवर में रखा जाता है। हज़ार साल से ज़्यादा गुजर गए, मिस्रियात की जो तारीख है वो अभी तक इसरार में जो है घिरी हुई है। आज भी लोग परेशान हैं कि किस तरह हज़ारों साल पहले सोने, शीशे और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करके किस तरह मम्मीफिकेशन की जाती थी, किस तरह मुर्दों को ऐसा महफूज किया जाता था कि वो आज तक महफूज है। ये भी एक बड़ी शानदार ममी है मेरे सामने, जिसमें गोल्ड का काम हुआ हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ कीमती जो है वो पत्थर लगे हुए हैं, और साथ साथ जो रंगों का इस्तेमाल है वो और भी हैरान कन है। आप याद करें कि जो मिडिल एजेस थे उस ज़माने में भी सुरख रंग बनाना बड़ा मुश्किल था, और दूसरे रंग तो आसानी से बन जाते थे, सुरख रंग बनना मुश्किल था। तो लेकिन यहाँ पर आपको सुरख रंग भी नज़र आता है, नीला रंग भी नज़र आता है, गोल्ड का रंग भी नज़र आता है, और मुख्तलिफ जानवरों को इस तरह से खूबसूरत तरीके से तराशा गया है, बनाया गया है कि आज भी अकल दंग रह जाती है। और ऐसे लगता है कि ये काम बस अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, जबकि ये हज़ारों साल पहले, कम अज़ कम 5,500 साल पहले ये पुरानी मम्मी है। और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में भी बड़े मुश्तरकात हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत फिर भी कुछ ना कुछ मिस्र से आगे है। यहाँ आजकल अब्दुल फताह अल सीसी का दौर चल रहा है, इससे पहले हुस्नी मुबारक रहे, उससे पहले अनवारुस सादात रहे, उससे पहले जमाल अब्दुल नासर रहे। ये सारे ही तकरीबन फ़ौज से तल्लक रखते थे, और इन्होंने बड़ी तवील अरसा जो है वो हुकूमत की। और यहाँ पे मिस्र में जो हिज़्बे मुखालिफ है वो शुरू से इख्वानुल मुस्लिमीन रही, या ऐसी जमातें रहीं जिनका मजहबी बैकग्राउंड था और इंतहा पसंदी की तरफ भी मायल रहीं। और यहाँ हमारे मिस्र के साथ ये भी जो है वो मुश्तरका चीज़ है कि अनवारुस सादात को
इख्वान अल-मुस्लिमीन ने स्टेज पर कत्ल कर दिया था, और उसके जो उनके मारने वाले थे उनमें जो अमनुज़्ज़वाहिरी थे उन्होंने ही बाद में उसामा बिन लादन के साथ मिलकर जो है वो अलकायदा की बुनियाद रखी, और फिर अमनुज़्ज़वाहिरी वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को मारने की ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी। तो दहशतगर्दी हो या सियासी निज़ाम, ये दोनों मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान में भी चार्ज पार्शल ला रहे, तवील अरसा तक जमहूरी जो दौर है वो नहीं आया, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का अब भी असर रसूख है। मिस्र में तो वो मुकम्मल छाए हुए हैं, और इस हद तक है कि उन्होंने बाकायदा तंदूर लोग लगा के फौज ने, और गरीबों को रोटियां तकसीम की जाती हैं। इस तक हर शोबे के अंदर उनका असर रसूख जो है वो नज़र आता है। काहिरा शहर के बीचों बीच मस्जिद अल-हुसैन है, जो कि जिसकी तारीख है, और ये फातिमी दौर में तामीर हुई और ये देखने से तलक रखती है। इसके साथ खानम खलील का बाज़ार है, चारों तरफ भीड़ होती है, लोगों का इज़्तिहाम होता है, और अभी हम मस्जिद के अंदर भी चल के बात ये मस्जिद अल-हुसैन का अंदरूनी मंजर है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ नमाज ख़त्म हुई है, लोग मौजूद हैं, और ये सामने ये जो दरवाज़ा है ये जो है हज़रत इमाम हुसैन का जो सर है वो यहाँ पे दफन है। रवायत यह है कि फातिमी खुलफा इस सर को ख़रीद के लाए थे और यहाँ पर उन्होंने दफन किया था। और इस मस्जिद की तारीख भी जामिया अल-अज़हर के साथ ही है। जिस ज़माने में जामिया अल-अज़हर बना उसी ज़माने में ये मस्जिद भी बनी, इसलिए इसकी एक बड़ी तारीखी हैसियत है। ये खानम खलील बाज़ार है मस्जिद अल-हुसैन के बिल्कुल साथ, और ये ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान का अनारकली है। उसी तरह यहाँ पर रश है, खवे से खवा चल रहा है, और यहाँ से मोमेंटो मिलते हैं, जो फिरौन हैं उनके जो मुजस्मे हैं वो छोटे छोटे मिलते हैं। इसी तरह यहाँ कावा खाने हैं, चाय है, एक पूरा माहौल है जहाँ पे मेरा ख्याल है कोई भी जो मिस्र आता है, काहिरा आता है, वो खानम खलील को टच किए बगैर, यहाँ से घूम के जाए बगैर वो मेरा ख्याल है उसका सफ़र मुकम्मल नहीं होता। मिस्रों की बहुत सी जो आदात हैं बहुत ही पाकिस्तानी से मिलती हैं, शक्लें भी बहुत मिलती हैं। ख्वातीन या मर्दों को देखें तो बड़ा मुश्किल होता है पहचानना कि ये पाकिस्तानी हैं या मिस्री हैं। और लेकिन यहाँ पर जो मुझे मुख्तलिफ नज़र आया पाकिस्तान से वो ये है कि यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो हमसे भी कमज़ोर है। मसलन यहाँ की ट्रैफिक देखें, आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। मुझे यहाँ सिर्फ 4-5 रोज़ रहने का इत्तेफाक हुआ है, 2 एक्सीडेंट्स जो हैं हमारे हो चुके हैं। हर गाड़ी जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है एक्सीडेंट के निशान आपको नज़र आएंगे। तो शायद डिसिप्लिन की कमी जो है वो मिस्र में मौजूद है। हालांकि मिस्र में भी बड़ा टैलेंट है, आपको पता ही होगा कि मिस्र के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं, जिस तरह के पाकिस्तानी डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर हैं। और जो पहला दिल का ऑपरेशन था मगदी याकूब जिसने किया था वो भी मिस्री थे। तो इस तरह से ये बड़ी टैलेंटेड कौम है, और चूंकि ये अपने आप को समझती है कि हम फिरौनों की औलाद हैं जो एक वक्त सिविलाइजेशन को रूल करती थी, तो अब भी ये कहते हैं कि आलम अरब और अफ्रीका का दिमाग हम हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अब सदियां गुजर गईं, कोई यहाँ से साइंसदान पैदा नहीं हुआ, कोई यहाँ से बड़ा टेक्निकल सपोर्ट वाला बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने टेक्नोलॉजी में नाम किया। इस यहाँ भी वही जवाल है जो हर जगह नज़र आता है। किताबों की दुकानें बड़ी खाल खाल हैं, हालांकि किताबों की दुकानों से भी पता चलता है कि यहाँ लोगों में पढ़ने लिखने का रुझान कितना है।
मेरे पीछे जामियातुल अज़हर का ओल्ड कैंपस है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। ये 900 सन ईस्वी में तकरीबन जो है वो तैयार हुई और यहाँ पे पढ़ाया जाता था। ऑक्सफोर्ड भी इससे कुछ साल बाद 40-50 साल बाद जो है ऑक्सफोर्ड शुरू हुई, और शायद इसी को मद्देनज़र रख कर जो है अल्लामा इक़बाल ने कहा था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है जामियतुल अज़हर की, कि इसको फातिमी खुलफा ने मुकर्रर किया, जिनको आजकल हम इस्माइली कहते हैं, और जब अयूबी औलाद यहाँ आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। फिर जब ममलूक दौर आया और उस्मानी दौर आया तो तब इसको दोबारा से जो है अरूज हासिल हुआ, और अब इसके कई कैंपस हैं। इसका जो न्यू कैंपस है वो बहुत बड़ा है, ये ओल्ड कैंपस है। ये अब ज़्यादातर जो है तारीखी तौर पर इसकी अहमियत है, अब अगर ना ज़्यादा तालीम व तदरीस जो है न्यू कैंपस पर मुंतकिल होगी।